जेपी आदमपुर है भाई, तेल लगा के आइए पिंडिया के, ये बड़ा खतरनाक एरिया है आदमपुर का। उपचुनाव में जब आए थे तो पिंडियों के तेल लगा के आए थे क्या? है अरे भाई, तेल तुल माने लेनो पड़े थे समझ। कांग्रेस का एक कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। बिरजेंद्र सिंह आता तो छो वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती थे, शायद एक फाइट होती। अब तो फाइट किसी से नहीं, अकेला वन साइडेड रिपोर्ट हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई भी आपके साथ दिखाई देंगे? दोनों जी जान से काम करेंगे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, आप देख रहे हैं। अब सदलपुर पहला गांव था, आज मैं गया था कोई 2500-3000 आदमी थे। फसल का टाइम है, कल बरसात हो रही थी, लोगों को डर लग रहा है कि फसलें ना खराब हो जाए। उसके बाद भी किसान खेती छोड़ के खड़ा है। 3000 आदमी होना बहुत बड़ी बात है। बाहर देखें आप, 200 तो गाड़ियाँ खड़ी हैं। मतलब लोगों का बड़ा उत्साह है। लोग चाह रहे हैं कि मोदी साहब देश के फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। किसको रैली होने जा रही है आदमपुर में, क्या कुछ कहेंगे, कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन नेता आएंगे? हमारे माननीय मनोहर लाल जी आएंगे, हमारे यहाँ से लोकल विधायक भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप सिंह बिश्नोई, मैं भी उसमें आऊँगा। बाकी हमारे प्रभारी पार्टी के पदाधिकारी, हो सकता है कुछ MLA लोकल भी आ जाएँ, स्टेट प्रेजिडेंट भी आ जाए। कल कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया टिकटों का, जयप्रकाश जेपी है उसको फिर से उम्मीदवार बनाया है। 6 चुनाव उन्होंने लड़े, 3 हारे, 3 जीते। देखिए आदमपुर इलेक्शन कहीं कोई कहानी नहीं। आदमपुर वाले तो ये कह रहे थे कि अभी हमारे पैसे नहीं दिए, हमारी गाड़ियों के पैसे मांगते हैं। कोई कहता हमें गलत नकली नोट बांट के। अभी आदमपुर में आपके सामने लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए चुनाव जेपी का, रणजीत सिंह का नहीं है, चुनाव मोदी वर्सेज राहुल गांधी का है। लोग प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम की वोट पड़ रहे हैं। लोगों ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। तो मुकाबला किसके बीच मानते हैं, मुकाबला हिसार में? देखिए पहले तो मैं ये समझता था कि बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा जी, पर अब ये देखते हैं कि कांग्रेस का एक कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। बिरजेंद्र सिंह आता तो छो वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती थे, शायद एक फाइट होती। अब तो फाइट किसी से नहीं, अकेला वन साइडेड रिपोर्ट हो रहा है। सर साहब, इससे पहले अगर बात करें तो पहले भी आपने इन गांवों का दौरा किया है, विजिट किया है, आज फिर से दोबारा से विजिट करने का उद्देश्य है, रैली का न्योता देने का है या फिर जय सिंह बिश्नोई जी आपके साथ अपील करने का? नहीं, इस गांव में तो मैं पहली बार आया हूं, मतलब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आया नहीं। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 6 महीने पहले भी नहीं आया। आदमपुर मंडी में आके गया था, वर्कर्स मीटिंग थी, उसके बाद किसी गांव में नहीं गया। आज चूड़ी वगैरह 3-4 गांव उस दिन करे थे जिस दिन मैं आया था। इस सदलपुर में तो मैं मेरे ख्याल में साल में पहली बार आया हूँ। सबसे बड़ा गाँव है, एक तरफा पोल करता है, इसी गाँव से 7-8 हज़ार की लीड होती है। जिस प्रकार से अभी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं गांव-गांव जाकर के, तो आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई भी आपके साथ दिखाई देंगे? दोनों जी जान से काम करेंगे, खूब दिखाई देंगे। परसों मंच पे भी हैं, कल भी शायद भव्य हल्के में रहेंगे। हिसार इलेक्शन हम 3 लाख से ऊपर जीतेंगे और आदमपुर से 50,000 की लीड है चोर साहब की। और जेपी को तो मैं पहले भी कहता था यार, कई बार कहा मना रहे जेपी ये आदमपुर है भाई, तेल लगा के आइए पिंडिया के, ये बड़ा खतरनाक एरिया है आदमपुर का। बीमार है जेपी है भाई, ऐसा है, मैं उसको कई बार समझाया कि जयप्रकाश तू हमारे साथ रहा है, ये थापी ना मारे। अगर एक दो बार मेरे भी कोशिश की जिन्होंने थापी मार के, मतलब यह गलत बात भाई, पूरा थापी ना मार दिए है। और बाकी चोर हाँ, उपचुनाव में जब आए थे तो पिंडियों के तेल लगा के आए थे क्या? है उपचुनाव में जयप्रकाश आए थे? अरे भाई, तेल तुल माने लेना पड़े थे समझ।